यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर गेम लोड। आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस इस वाली वीडियो में आज हम करने वाले हैं, हम जो है ना फ्री फायर की कुछ आइटम्स को, मतलब कुछ प्लेसेस को या फिर कुछ आइटम्स को लिया है और उसको माइनक्राफ्ट में बिल्ड किया है और आपको बताना है कि कितना रियल है। इसमें हमने क्लॉक टावर को, फैक्ट्री को, फ्री फायर के लोगों को, हिप हॉप बंडल को वगैरह वगैरह और भी चीज़ें हमने ली है और गाइस वो जो है ना मतलब सब कुछ बहुत ही मतलब अच्छा बनाया है। तो आप देखना और कितना नंबर देते हो आप मुझे उसमें बताना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लॉक टावर से और जैसे कि आपके सामने क्लॉक टावर आ चुका है। और गाइस ये देखो, मुझे तो लगता है ना मतलब यार ये बिल्कुल ही मतलब सेम टू सेम बना हुआ है और जैसा माइनक्राफ्ट में पॉसिबल हो सकता था वैसा का वैसा ये बनाया गया है। वैसे भी मैं बता देता हूँ, वैसे आपको भी पता ही है कि मेरे को सबको पता है कि ये मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने मतलब उठाया है। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से मतलब ये अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताना कि कितना मतलब ये रियल लग रहा है और आपको इसको 10 में से कितने नंबर दोगे, 10, 10.5, 10, 9.5, 8.5 कितने नंबर आप देंगे, ये भी मुझे गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देख सकते हो आप, ये वाला जो हाउस है ना भाई, इसमें हम बहुत ज़्यादा कोई छुपा करते थे। मतलब हम जब भी है ना रैंक पुश काला करते थे, हम चार मतलब बंदे थे ना, वो इसमें पूरा का पूरा भाई रैंक पुश इतना शानदार काला करते थे, इसमें भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन यार अभी वो जो चारों है ना वो गेम को खोलना छोड़ चुके हैं और मैं भी छोड़ चुका हूँ, मैं इतने गेम का नहीं खेलता हूँ। आपको देखा होगा कि आपने अभी जो फ्री फायर की वीडियो देखी है वो भी गाइस मैं ना मतलब बनाता हूँ, लेकिन इतना मतलब मैं ना रैंक पुशिंग नहीं करता हूँ। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तभी मैं फ्री फायर को खेलता हूँ, मतलब ऐसे कभी भी फ्री फायर में नहीं खेलता। ओके गाइस, ये वाला जो हाउस है ना भाई, यहाँ से तो हम क्लैश स्क्वाड में भाई मतलब जब क्लैश स्क्वाड रैंक खेलते थे तो मैं इस वाली खिड़की पे आके बैठ जाता था और यहाँ से स्नाइपर शॉट मारता था सामने वाले बंदों के, जो भी सामने वाले बंदे होते थे। तो गाइस यार उस टाइम के भी अलग ही मजे थे। और ये गाइस देख सकते हो, ये वाला घर में भाई हम बहुत ज़्यादा लड़े हैं, मतलब इना यहाँ पे जब भी उतरता था मैं क्लॉक टावर पे भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और आपको याद होगा कि इस वाली जगह पर यहाँ पर ना एक जिप लाइन होती थी जो सीधा पीक पे जाती थी, जो शायद अभी है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट पहले जब हुआ करती थी, जो गाइस उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ऐसे भी मुझे लगता है ना कि वो दिन जो है ना दोबारा कभी वापस आएंगे नहीं, तो यार मतलब मैं उन दिनों को भाई बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आप भी करते हो या नहीं करते हो आपके पुराने स्कोर के साथ भाई मतलब रैंक पुश करना भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। हमारे हर मैच में प्लस भी तो नहीं लगती थी बट हाँ मज़ा बहुत आता था। क्योंकि गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ फैक्ट्री, और फैक्ट्री का जो नंबर है वो अभी आ चुका है। और फैक्ट्री का आप देख सकते हो भाई, फैक्ट्री यहीं से ही भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये जो फैक्ट्री है ना भाई, इसको मैं मतलब ना अगर मैं अभी पूरा तो देखा नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ भाई यार बहुत ज़्यादा मज़े की सीन है यहाँ पर। और ये यहाँ पर पता नहीं कि लोहे की जालियाँ क्यों लगाई गई है बट पता नहीं, लेकिन वहाँ पे शायद लोहे की जालियाँ ही होती थी बट पता नहीं क्या है कैसी नहीं है। और ये कहीं देख सकते हैं यहाँ पे भाई हमें ना मतलब बहुत सी बार हमें यहाँ पे उतर जाते थे। मतलब मेरा एक दोस्त था क्लासमेट, अगर हम उसके साथ डुओ खेलता था ना मैं, तो भाई मतलब शुरुआत में तो जब हम थोड़े से मतलब 30-35 लेवल के थे तो रैंक पुश करने का भाई एकदम भूत सवार रहता था। तो हमें ना इस लोहे वाली जो येलो कलर का जो पाइप है ना, इस पर आकर लेट जाते थे अगर प्लेन जो है वो फ्री फायर की फैक्ट्री के ऊपर से जाता था। तो गाइस उसमें भाई मतलब इतना मज़ा आता था ना यार, और ना कभी कभार तो भाई हम जब थोड़े मतलब ऊपर हुए तो यार देख सकते हो ये बिल्कुल सेम टू सेम बनाया गया है अभी बात करें तो इसकी। और यार मतलब जब हम उस टाइम मतलब खेलते थे ना तो एकदम से मतलब यार क्या ही मतलब शानदार मतलब सीन ही मतलब अजब ही सीन था भाई उसका तो। और ये टंकियों पर जाके भाई मतलब फीस्ट फाइट करना, मतलब हमने जब शुरुआत में हमको 7 दिन के लिए आलोक मिला था ना, आपको याद होगा जब नया नया आलोक 7 दिन के लिए मिलने लगा था, खैर अभी तो फ्री में मिल जाता है, गोल्ड में मिल जाता है, अभी मिलता है नहीं मिलता पर एक बार गोल्ड में आया था। तो गाइस यहाँ से उधर जाने के भाई हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और यहाँ नीचे आके भाई फीस्ट फाइट करना, यहाँ पे मतलब पाइपों पे भाई इधर उधर घूमना, फिर गन मिल जाती थी किसी को तो वो फैक्ट्री किंग हो गया उस टाइम के लिए। तो भाई और उस टाइम पे रोमियो का भाई बहुत ज़्यादा क्रेज़ था यार, अभी तो भाई पता नहीं इतना कुछ क्रेज़ नहीं है, फ्री फायर का इतना क्रेज़ नहीं है तो भाई रोमियो का कहाँ से होगा पता नहीं। यार ये क्या सीन है, ये फ्री फायर में मैंने कभी देखा नहीं है और कभी शायद था भी नहीं। यहाँ पर भाई कंटेनर रखा रहते थे, तो यहाँ पर भी कंटेनर तो नहीं है तो उसके भाई मैं थोड़े बहुत पॉइंट काट सकता हूँ। और इसको मैं 10 में से भाई अभी तक देख के दे देता हूँ ना, तो 7.5 यहाँ पर नंबर देता हूँ। आप कितने दोगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर यहाँ पे कंटेनर भी होते ना, कंटेनर होते हैं तो मैं इसको 9.5 देता, क्योंकि यार ये उतना भी रियल नहीं लग रहा है जितना होता जितना, लेकिन माइनक्राफ्ट में जितना पॉसिबल है ना भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। यार देख सकते हैं यहाँ पे हमने AK-47 यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए, AK-47 भाई बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लग रही है, लेकिन मैं इसको जो है ना मतलब एक तरीके से अगर लुक वाइज आप देखोगे ना तो भाई लुक वाइज तो मैं इसको 4.5 ही नंबर दूंगा, लेकिन अगर आप इसका जो काम देखोगे ना भाई मतलब वो अगर उसको देख लोगे तो आप मैं इसको मतलब उस वर्किंग AK-47 ही है, तो इसलिए मैं इसको जो नंबर देता हूँ ना वो गाइस देता हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी। और यहाँ से अगर हम इसको ऑन कर देते हैं ट्रिगर को तो ये देख सकते हैं ये तीर फेंकना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर भाई मतलब एक तरह से ये वेपन का ही काम कर रही है। तो मैं यहाँ इसको 4.5 से प्लस करके यहाँ पे 8.5 कर सकता हूँ या 7.5 कर सकता हूँ। आप कितने दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
गाइस देख सकते हो यहाँ पे भाई इतने तीर ही तीर कर दिए हैं भाई, देख सकते हो आप यहाँ पे कम से कम भाई यहाँ पे आप मुझे गिन के बताएं कितने तीर है, वैसे इम्पॉसिबल है लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कम से कम 1000 से 200 तीर तो होंगे। ओके गाइस ये देख सकते हो अपना हिप हॉप बंडल भाई मतलब एक नंबर तो नहीं लग रहा है, लेकिन शायद जितना फ्री फायर में पॉसिबल हो सका होगा शायद उतना ये बनाया आया है। और राइट तो इसके सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर भी मतलब एक रूम टाइप बना हुआ है, जैसे टेक्नो गेमर्स ने अपना माइनक्राफ्ट का स्टैचू बनाया हुआ है वैसे ही ये फ्री फायर का मतलब हिप हॉप बंडल वाला है। और आप भी देख सकते हो यहाँ पे भाई कुछ मतलब एंचेंटमेंट रखी हुई है, और ऊपर जाके अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे ना ये मतलब किचन टाइप जो होते हैं ना वो रखे हुए हैं, और ये देख सकते हो यहाँ पे क्रेट्स ही क्रेट रखी हुई है, और क्रेट्स भी भाई ऐसी वैसी नहीं है मतलब बहुत बड़ी बड़ी मतलब बड़ी बड़ी क्रेट्स है, छोटी वाली क्रेट्स नहीं है और खाली है सारी। और यहाँ पर यह बेड वगैरह रखा हुआ है, और यहाँ पर मतलब है ना सो सकते हैं अपने मतलब भाई बहुत ही अच्छा बनाया गया है मतलब। और गाइस देख सकते हो यह फ्री फायर का यह लोगो है, जो फ्री फायर का लोगो भाई मतलब बहुत ही मुझे सबसे अच्छा लगा, फ्री फायर का लोगो ही सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है अभी तक तो। तो ओके गाइस तो आज की इस वाली वीडियो बस इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।